अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू चैनल। और आज मेरा व्लॉग है, आज है बारात और अब हम निकलने वाले हैं। और आज भी मुझे वही वाली फीलिंग आ रही है कि आज ज्यादा मजा आने वाला है, क्योंकि पहले मेहंदी और माइयों छोटा फंक्शन होता है तो वो तो उन्होंने अपने पीछे ग्राउंड में कर लिया था, लेकिन आज हॉल में है शादी। तो आज पक्का, ये कल भी बहुत मजा आया था लेकिन आज तो और भी ज्यादा मजा आने वाला है, ये मेरी सिक्स सेंस कह रही है, क्योंकि कल भी मेरी सिक्स सेंस ने सही कहा था तो आज भी मेरी सिक्स सेंस सही कह रही है। तो अब मैं निकलने लगी हूँ, क्योंकि मुझे अभी जब मैं नीचे पहुंचूंगी, यानी कि अभी मामा ने कहा है कि जल्दी से आ जाओ, तो अब जब हम जाएंगे गाड़ी में बैठूंगी तो बाबा से भी डांट पड़नी है कि जल्दी किया करो। तो अब मैं वहां के लिए निकलने लगी हूँ और अब आपको वहां मिलूंगी, तब तक के लिए टाटा। हम यहाँ पे आए हैं और अभी इधर सेराबंदी होने लगी है और सेराबंदी के बाद हमने हॉल के लिए निकल जाना है, तो अब मैं आपको हॉल में मिलूंगी। और ये है दूल्हे वाली गाड़ी और अब हम जा रहे हैं बस में, और सबसे ज्यादा मजा आता ही बस में, यानी कि मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा, यानी कि एक शादी जो होती है उसमें सबसे ज्यादा मजा एक बारात का होता है, और बारात का भी इसलिए होता है क्योंकि उसमें हम घर से वहां तक एक बस में जाते हैं। यानी आपके साथ मसला कोई? एनी मसला विद यू? हेलो पीपल, आई एम हर कजन। दो रुपए वाले अमेरिका से आई हुई है आप, ये हमारी बस है, आप 2 रुपए वाली अमेरिका से आई हुई है। चले अब हम जा रहे हैं और इस वक्त हम बस यानी कोस्टर में बैठ चुके हैं और अब हम निकलने लगे हैं, यानी कि स्टार्ट होने लगी है, हम और जाएंगे। यहाँ पर जस्ट दे रहे और आगे उधर हॉल का एड्रेस दे दें प्लीज। हॉल की ड्राइवर 40 मिनट्स की ड्राइव। 40 मिनट्स नंबर बता दो, किसी ने पीछे आना हो तो आ जाए। नहीं नहीं, इतना नहीं अभी हमने फेंक दिया। तो अब हम यानी के बीच के एंजॉय भी आपको साथ साथ दिखाऊंगा। पहुंच गए हैं और अब हम होने लगे हैं हॉल में एंटर। लाइटिंग इस वक्त यहाँ पे बाहर ज्यादा अच्छी नहीं है और अब मैं आपको अंदर की व्यूज दिखाती हूँ। हेलो तैयब। हेलो, हेलो, आर यू? आई एम फाइन, यू आर माय फैन। और अभी हमने खाना खाया है और एक आपको मैंने किस्सा सुनाना था छोटा सा, जो कि ये है कि हमें फोर्ट्रेस में उन्होंने रोक लिया था कि वो हम उनको क्या लगे थे, यानी कि इतनी मासूम सी शक्लें, उनको दहशत गर्द लग रहे जी, ये मासूम। तो ये हमारे साथ हुआ था और फिर हम घंटा उधर ही रहे थे, लेकिन हमने अपना शुगर मेरा जारी रखा था, हम उधर बैठ के आराम से पीछे वाली सीट हमने ऑक्यूपाई कर ली हुई थी और उधर बैठ के हम सिर्फ सिर्फ गाने गाए जा रहे थे, गाए जा रहे थे, अपना शुगर मिला अपना ही होता है। तो अब हम तस्वीरों उतरवाने लगे हैं, तो मैं तस्वीरों उतारने के बाद मिलती हूँ। इस वक्त यहाँ पे रुखसती हो रही है, जो कि आगे से ज्यादा उसका पता चलेगा। हेलो, और अब मैं आपको रुखसती के बाद मिलूंगी। अगर यहाँ पे ऐसे बैठने से इतने मिले थे, अली भाई हम भी वैसे बैठे। तो सीन्स कुछ ऐसे हैं कि आज है वलीमा और मैं तैयार हो गई हूँ और हम थोड़ी देर में निकल जाएंगे, और आज
उनके यानी के पिछली दफा यानी के जब कल बारात थी तो हम काफी जल्दी आ गए थे क्योंकि कल हॉल में थी, लेकिन आज उन्होंने अपने बैकग्राउंड में रखी हुई है, माशाल्लाह काफी बड़ा है वो, तो आज हम काफी लेट हो जाएंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह कल मेरा स्कूल भी नहीं है, तो आज कोई टेंशन भी नहीं है मैं लेट हो जाऊं अगर तो, और क्योंकि हम लेट हो जाएंगे 12 तो आराम से बजेंगे और मजा भी बहुत आएगा। तो अब मैं आपको हॉल में हॉल के उनके घर में मिलती हूँ, तब तक के लिए टाटा। अस्सलाम वालेकुम, आई एम रियली सॉरी कि मैं टाइम पे अपना व्लॉग एडिट नहीं कर सकी, लेकिन क्योंकि पहले मेरे पास टाइम ही था और जब मेरे पास टाइम है तो मेरी हालत ऐसी हुई हुई है, इस हालत के पीछे 2 बजे है, यानी कि रात को हम शादी पे गए हुए थे तो वहां से हम वहां पे उनका ग्राउंड में फंक्शन था, मैं उधर आराम से यानी नेट वाले बाजू पहन के गई हुई थी, अच्छी खासी ठंड लगी है मुझे, बोतल पी ली थी मैंने अच्छी खासी ठंडी, बोतल पिए गई थी और बर्फ भी डलवा दी थी। हाँ ऐसा ही हुआ था। और उसके बाद आइसक्रीम में कुल्फा थी जो मुझे काफी काफी पसंद आई थी और मैंने अच्छी खासी खा ली थी, वो भी डांट खा के छोड़ी थी क्योंकि बहुत मजे की थी। और इस वक्त मैं इधर रजाई में, इतनी ठंड लग रही है, मैं रजाई में बैठी हुई अपने बिस्तर पे और ये साइड पे मेरा सामान है, तो अब मैं व्लॉग एडिट कर रही हूँ आप लोगों की खातिर, इतनी तबीयत खराब तो आई एम रियली सॉरी अगेन, अब मैं व्लॉग एडिट करके उसको अपलोड करूंगी।